नमस्कार जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि धनिये को कैसे ग्रो करना है। ये बहुत ही आसान है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो धनिये को तो वैसे किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है, बस जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो उस टाइम थोड़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। तो बाकी तो इसको साल भर आप लगा सकते हैं। तो धनिए के ये इस तरह से सीड हैं, ये आप देख रहे हैं, ये साबुत सीड हैं। हमें साबुत सीड नहीं लगाने हैं, इनके दो दो टुकड़े करने हैं। तो मैं ये आपको बताऊंगी कि बड़े ही आसान तरीके से इनके दो टुकड़े कैसे करने हैं। वैसे तो ये सूखा धनिया हम हाथ से ऐसे करें तो ये दो टुकड़े हो जाएंगे, ये आप देखें ऐसे, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम ये ऐसे ज़मीन पे इसको ऐसे डाल दे रहे हैं। इस तरह से ये डाल दिया और ये बाउल के नीचे वाले हिस्से से थोड़ा सा ये जैसे ये डाल दिया धनिया, और बाउल के हिस्से से थोड़ा सा इसको ऐसे रगड़ना है, इस तरह से हल्के हाथ से इस तरह से रगड़ना है। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे रगड़ना, ये इस तरह से, बहुत ज़ोर से नहीं रगड़ना कि इसकी सीड टूट ही जाए। बस इनके दो टुकड़े हो गए इस तरह से, इस तरह से। और इसके लिए मिट्टी आप थोड़ी सॉफ्ट रखें, गोबर की अगर खाद मिलती है तो आप उसमें गोबर की खाद मिक्स कर लीजिए, अगर पत्तियों की सड़ी गली खाद है तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अगर आपके पास खाद नहीं है, अगर काली मिट्टी है तो नॉर्मल मिट्टी में भी ये अच्छे से ग्रो कर जाता है, पर ये है कि अगर सॉफ्ट मिट्टी हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से होता है। तो ये इस तरह से, और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। बस ये सब चीज़ें इसके लिए करनी है। गर्मियों के जब थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो ये जल्दी इसके जो सीड हैं निकल आते हैं। ये देखा आपने, इस तरह से ये दो दो टुकड़े हो गए हैं, ये इस तरह से ये दो दो टुकड़े ये ऐसे हो गए हैं। तो ऐसे लगाने हैं ये, और ये इस तरह से जो साबुत कोई रह गया है तो इस तरह से नहीं लगाने हैं, इनको दो टुकड़े लगाने करने हैं ऐसे। तो फिर इसके दो प्लांट निकल आएंगे। तो थोड़ा सा और रगड़ लेते हैं हम इसको, कहीं अगर साबुत होगा तो वो भी उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे ये देखिए। तो मेरे कई भाई बहनों ने पूछा कि धनिया लगाते हैं कितना टाइम लगता है। इस टाइम तो अभी थोड़ा मौसम ठंडा होने लगा है तो इसको उगने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये देखिए इस तरह से ये दो दो टुकड़े हो गए इसके, ऐसे हो गए दो दो टुकड़े इस तरह से, हाथ से ऐसे मल सकते हैं। अगर कोई ऐसे रह गया होगा तो उसके भी ये दो टुकड़े हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, मैंने ये एक पॉली बैग लिया है और इसमें मैंने अपने गार्डन की मिट्टी भर दी हुई है, और इसमें मैंने ड्रेनेज के लिए नीचे होल भी बना दिए हुए हैं। और बस इसको कुछ नहीं करना है हमने, अब ये इस तरह से उठा के ये मिट्टी में इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है, जैसे हमने अजवाइन लगाई थी बिल्कुल उसी तरह से, ये अजवाइन की तरह ऐसे स्प्रिंकल कर देना है मिट्टी में। ये हमने सारा, तो मैंने लास्ट टाइम क्या किया था कि जो मेरे घर के नीचे गार्डन में गमले पड़े हैं तो उसमें ऑलरेडी जो प्लांट्स लगे हैं तो साइड में जो जगह थी तो मैंने कुछ सीड ऐसे ही डाल दिए थे। तो वहाँ पूरा दिन धूप नहीं आती है, कुछ देर ही धूप आती है, तो भी वो अच्छे से उनके जो प्लांट्स थे निकल आए थे और खूब अच्छा धनिया फूल भी लगे, आगे फिर सीड भी बने थे। तो इस तरह से हमने स्प्रिंकल कर दिया, और अब इसको मिट्टी में ऐसे मिक्स कर देना है किसी भी चीज़ से, इस तरह से। ये हल्का सा ये मिट्टी में मिक्स कर देने हैं।
तो अगर ये सीड थोड़े ऊपर भी कोई कोई दिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मिट्टी ये मॉइस्ट रहेगी तो उसके भी ये धनिए जो हैं वो उसके प्लांट्स बन जाएंगे, ये स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये बन जाएंगे। ये तो लगाना बहुत ही आसान है। इस तरह से ये हमने कुछ मिक्स कर लिए हैं और ये देख रहे हैं आप, कुछ ऊपर भी दिख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखते हैं तो कोई बात नहीं। और मिट्टी इसकी मॉइस्ट रखनी है और अब इसमें पानी दे देना है ऐसे। तो पॉली बैग में जब लगाते हैं तो थोड़ा पॉली बैग में जो मिट्टी है लंबे टाइम तक मॉइस्ट रहती है, तो ज़्यादा पानी भी ना दें कि आपका असीर जो सड़ ही जाए, बस ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा रखें। तो ऐसे ये हो गया है, आप देख रहे हैं। तो अब इसको जो पॉली बैग को जहाँ गमले में आप कहीं भी लगाते हैं, जहाँ ज़मीन में लगाते हैं, उसमें थोड़ी धूप, वैसे तो अगर आप ज़्यादा धूप में रखते हैं, मैं तो छत पे इसको रख रही हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से ये निकलेंगे, ग्रो करेंगे। तो अगर थोड़े टाइम धूप आती है और छाया रहती है तो उसमें भी ये आराम से लग जाता है। और अब जब जब इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये इस तरह से निकलना शुरू हो गया है। जिस तरह से हमने अजवाइन लगाई थी ना, बिल्कुल उसी तरह से इसकी पत्तियाँ होती हैं और उसी तरह से फिर जैसे बड़ा होता रहता है और हरी पत्तियाँ जैसे निकलती रहती हैं, तो आप हरी पत्तियों को चुन सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चुन सकते हैं और फिर प्लांट बड़ा होता रहता है और उसमें फिर बाद में सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। और जब सीज़न ख़त्म होने पे आता है तो फिर उसमें जो फूल होते हैं तो इस तरह से सीड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैं कुछ आपको दिखाऊँ, ये मेरे शिमला मिर्च के जो रेड और येलो मैंने लगा रखी थी, तो कुछ इस तरह से ये प्लांट्स ये निकल रहे हैं। ये कुछ ये दिख रहे हैं, ये कुछ छोटे छोटे निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं और ये कुछ ये और ये कुछ ये इस तरह से ये और कुछ ये फूट रहे हैं अभी, ये आप देख रहे हैं ये फूट रहे हैं ये। तो इस तरह से ये शिमला मिर्च के ये प्लांट्स भी ऐसे निकल रहे हैं। और अजवाइन का जो मैंने बनाया था इस तरह से धनिया बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये अजवाइन के देखिए आप कितने अच्छे हो गए हैं। तो जो मेरे भाई बहन अजवाइन के लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं और इस तरह से उनके प्लांट्स होंगे। और मैंने ये क्राइसेंथिमम के कुछ इस तरह से मिट्टी भर के ये लगा दिए हुए हैं, ये लगा दिए हैं। और आलू वाला ये इस तरह से हो गया बड़ा। तो ये कैलेंडुला का भी ये मैंने लगा दिया है और बाकी भी मैं थोड़े थोड़े लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो इस तरह से आपने देखा कि धनिए को लगाना बहुत ही आसान है, कोई मेहनत भरा काम नहीं है। और आपके अगर कोई ऐसा सिंगल प्लांट लगा है जहाँ गमले में आसपास खूब जगह है, तो गमले के आसपास ऐसी मिट्टी आप इस तरह से कुछ भुरभुरी जैसी करके उसमें आप इनके सीड्स स्प्रिंकल कर सकते हैं। होप करती हूँ कि आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। और इस तरह से आप, आपके पास पॉली बैग है तो इसमें आप लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और इसमें ऐसे पानी दे देना है और नेक्स्ट डे जब ये पानी आपको लगे कि सूख गया है तब उस टाइम इस तरह से जैसे मैंने अभी स्प्रिंकल किया था उसी तरह से करना है और ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा रखें, बस यही सब करना है। और ओवर वाटरिंग ना करें, ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छा नहीं होगा तो ये सीड हमारे सड़ भी सकते हैं, बस मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट रखना है। धन्यवाद जी।